नमस्कार जी, मैं मंजू। आज मैं आपको किसी प्लांट के बारे में बात नहीं करूंगी, बताऊंगी। कई भाई बहनों की मेरी फरमाइश थी कि जब 1,000 वीडियो हो जाए आपका, तो उस पे कोई ख़ास वीडियो बनाया जाए। तो मुझे कुछ सूझ नहीं रहा था, तो मैंने सोचा चलो मेरे भाई बहनों की फरमाइश है। और मेरे कई भाई बहन पूछते रहते हैं कि आप कितना कमाते हैं, तो आज मैं आपको अपने YouTube के सफ़र के बारे में बताऊंगी। तो मैं उसमें ये भी बताऊंगी कि मुझे कितने पैसे मिलते हैं, जहाँ YouTube ने मुझे क्या-क्या दिया, आप सबसे मुझे क्या-क्या मिला, तो वो सब चर्चा करूंगी। तो आप इसलिए मेरा वीडियो पूरा देखें। तो बात करते हैं कि 1,000 जो मेरा वीडियो हो गया, तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि इतना लंबा सफ़र मैं तय कर पाऊंगी। तो सब चर्चा करती हूँ। आज मैं कोई प्लांट्स के बारे में, जैसे कि मैंने बताया, कि स्पेशल कोई भी बात नहीं करूंगी। तो ये जो 1,000 वीडियोस मेरे हुए हैं, तो ये यूट्यूब को मैं थैंक्स करना चाहूंगी, और उन भाई बहनों को जो मेरे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, और ये आप सबकी हेल्प के कारण ही ये मेरे लिए पॉसिबल हुआ है। तो यूट्यूब ने मुझे एक जो है, यूट्यूब से मुझे पहचान मिली है, पहचान दी है मुझे। मेरा ये यूट्यूब का अभी तक का जो सफ़र रहा, वो बहुत ही बढ़िया रहा, और होप करती हूँ कि आगे भी आप सबका साथ मिलेगा और आगे भी बढ़िया ही रहेगा। तो मुझे अपनी हॉबी को पूरा करने का मौका मिला। कई बार ऐसा भी होता है कि जैसे किसी प्लांट के बारे में जानकारी देने से पहले मुझे अपने यहाँ के मौसम के हिसाब से प्रैक्टिकली भी काम करना पड़ा, जिससे मेरा और भी ये नॉलेज बढ़ा। और कई बार किसी भाई बहन ने जैसे कोई फरमाइश की किसी किसी भी प्लांट के बारे में, जो कि जिसे मैंने पहले ग्रो नहीं किया था, तो फिर मैंने उसे ग्रो करके देखा, और इस तरह से कैसे क्या उसकी हेल्थ अच्छी हुई, क्या क्या मैंने उस पर किया, तो इस सब से भी मेरी जानकारी बढ़ी। और टाइम टाइम पर मेरे भाई बहनों के, जैसे आप सबके कमेंट्स मुझे आए, और अच्छी अच्छी जानकारियाँ उनसे मिली, तो मैं इसलिए इन सब के लिए आपकी, आप सबकी शुक्रगुजार हूँ। मैंने जो पहला वीडियो डाला था, वो मैंने 14 अप्रैल 2016 को शोकिया तौर पे डाला था। तो 14 अप्रैल 2016 को मेरे चैनल को जो पूरे 3 साल हो गए हैं, और इसी तरह से जब मैंने पहला वीडियो डाला था, तो काफ़ी जो टाइम तक है यही सिलसिला चलता रहा कि मैं वीडियो ऐसे डालती रही शौकिया तौर पे। और मुझे ये मालूम भी नहीं था कि इसमें पैसे भी मिलते हैं, जहाँ मोनेटाइज भी ये होता है। जब मुझे पता चला, तो फिर काफ़ी टाइम के बाद मैंने इसे मोनेटाइज किया। तो फिर क्या हुआ कि एक वीडियो मैंने बनाया था, वीडियो नंबर 113। उसमें मैंने टमाटर ग्रो करना सिखाया था, हाउ टू ग्रो टमाटोज बताया था, वीडियो का टाइटल था। तो उसमें मैंने ये सब चर्चा की थी। तब मेरे जो है 500 रुपीज़ जमा हो चुके थे। तो जब 6,000 पूरे होते हैं, तो पहली पेमेंट आती है। तो उस टाइम भी मुझे थोड़ा, मैंने वीडियो तो बना दिया, आपके आप सबको सलाह दी कि आप सब भी वीडियो बनाएं। और उस टाइम जो गार्डनिंग के ज़्यादा वीडियोज़ नहीं होते थे, आते थे, तो जब मेरा वीडियो वो मैंने 113 बनाया, उसके बाद फिर इतने सारे गार्डनिंग पे वीडियोस आए हैं। तो कहने की बात यह है कि यूट्यूब एक बहुत ही जो बढ़िया प्लेटफॉर्म है ये अपनी बात रखने का। किसी भी चीज़ में आपको शौक़ हो, जैसे कि कोई खाना बनाने का, सिलाई कढ़ाई बुनाई का, जिसमें जो अच्छा काम, ज़रूरी नहीं कि गार्डनिंग का ही हो, तो आप अपने वीडियोस डाल सकते हैं। तो 113 वीडियो नंबर 113 में भी मैंने ये खूब आपको सलाह दी थी, और कई भाई बहनों ने मेरी सलाह पे वो वीडियोज़ खोले भी, अपने बनाए भी, चैनल अपने बनाए खोले। तो ये जो YouTube से पहचान तो मिलती ही है, पर रुपया पैसा भी मिलता है। तो जब तक मेरे जैसे 20,000 रुपये जमा हो चुके थे, तब भी मुझे पता नहीं क्यों ऐसे मन में डाउट था कि इतने इजीली ऐसे मनी नहीं मिलता होगा, शायद ये ऐसे ही झूठी बात हो। तो फिर मजाक मजाक में ही मैंने, हंसी मजाक में ही मैंने ऐसे ही अपना वो आगे का जो प्रोसीजर था वो भी पूरा किया, अपना अकाउंट नंबर दिया, तो मुझे पहली पेमेंट मिली, फिर दूसरी। तो जब 20,000 तक हो गए थे, जब मैंने ये हंसी मजाक में जो कहा कि मैंने अकाउंट नंबर दिया, तो मुझे पेमेंट आना शुरू हुई, तब से मुझे हर
महीने मतलब पेमेंट आती ही रहती है, और कभी ऐसा नहीं हुआ कि मेरी जो पेमेंट किसी महीने मुझे उसके बाद ना आई हो। तो मुझे पैसे किस तरह से मिले, जैसे शुरू में जब शुरू के महीनों में जब मैंने अकाउंट नंबर दे दिया था, तो उसके बाद मुझे जैसे 7,000, 8,000, कभी 9, कभी 11, कभी 12, 15, 16, 18 हर महीने इस तरह से मुझे मिलते रहे। और सबसे बड़ी जो पेमेंट थी वो मुझे मतलब कई बार मिली है 28,500 की, वो भी मिली है 24,000, 25,000, 24, 26, 27 ये सब मिले हैं। और फिर बाद में थोड़ा YouTube ने कम कर दिए पैसे, और उसके बाद मुझे इस साल जो है पैसे कम हो गए हैं। तो जो एक बारी मुझे हाँ अप्रैल में इसी साल जो मिले हैं, तो अभी इस साल नहीं पिछले साल की बात कर रही हूँ, मार्च में शायद मिले थे हाँ, तो 22,000 का के 21,000 का कुछ ऐसे पेमेंट मिला था। और उसके बाद 15 से नीचे मुझे कभी नहीं मिले, हर महीने जैसे 16,000, 18,000, 19,000, 17,000 इस तरह से मिल रहे हैं। और पिछले महीने भी मुझे 18,000 एंड समथिंग, पता नहीं 200 या 300 रुपये कुछ कटते भी हैं उसमें। तो ये सब जानकारी जो है मुझे तो बिल्कुल भी पहले नहीं थी। ट्रस्ट मुझे तभी हुआ जब मुझे पेमेंट मिली, फिर बीच में मैं सोचूं कि जब 500 मेरे जुड़े थे, मैंने अपने भाई बहनों को इन्फॉर्मेशन दे भी दी, बोल भी दिया बनाने को, और हो सकता कि ना ही मिलते हों, पर सच में ये बहुत ही कमाल की चीज़ है। और मैं अपने भाई बहनों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि घर बैठे आपको ना तो कहीं अपना कोई सामान बेचना है देना है, आप अपने शौक को पूरा कीजिए। और ये ज़रूरी नहीं कि आप इसके लिए बहुत ही अच्छे आपके पास कैमरा हो या बहुत ही अच्छे सामान आप जुड़ाओ, जो भी आपके पास मोबाइल है तो उससे आप अपने वीडियोस बनाएं, थोड़ा साफ वीडियो दिखे तो वो आप अपलोड कर सकते हैं। और अपनी यूट्यूब सबको बढ़ने का मौका देता है, तो ये मेरा सफ़र रहा। और ज़रूरी नहीं कि इतने पैसे मेरे जितने ही मिलते हैं, जिनके जो चैनल बहुत अच्छे चल रहे हैं, बहुत अच्छे जिनके व्यूज़ होते हैं, उनको तो बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे भी मिलते हैं। तो मेरी एक फ्रेंड है, मैं उनका भी नाम नहीं लूँगी, सिलाई कढ़ाई बुनाई का उनका चैनल है, तो 2.5 साल उनको हो गए खुले हुए, तो उनको 38,000, 39,000 तक भी महीना मिला है, 35 भी, 36 भी। तो अभी जैसे कि पैसे कम हो गए हैं YouTube की तरफ से, तो उनको अभी जैसे कोई वीडियो पीक पे जाता है बहुत ज़्यादा, जैसे लोग देखते हैं तो ज़्यादा पैसे भी हो जाते हैं, 30,000, 32,000 भी महीना हो जाता है। और जैसे बीच बीच में जैसे कुछ ज़्यादा सारे वीडियोस हम बना देते हैं, तो कोई ना कोई जैसे भाई बहन देखते ही रहते हैं, और जब ऐड आती है उस पर अगर ऐड देखो तो उसके फिर ज़्यादा पैसे मिलते हैं। तो यही सब होता है। तो मैं फिर आपको सलाह दूंगी, खैर अभी तो सबको पता है, जब मैंने वीडियो नंबर 113 बनाया था उस टाइम मुझे बहुत सारे भाई बहनों ने पूछा कि किस तरह से बनाते हैं ये वो, तो मुझे उस टाइम कोई कुछ खास जानकारी या कोई भी नॉलेज नहीं था, कोई भी किसी चीज़ में परफेक्ट नहीं होता है। तो अब ये है कि मैं बता सकती हूँ कि जो टेक्निकल वाले हैं तो वो इन चीज़ों के बारे में खूब अच्छे से जानकारी देते हैं कि YouTube की क्या स्कीम चल रही है, अब क्या चीज़ नई आई है क्या नहीं आई है, तो आप उनके चैनल देखिए, आपको खूब सारी जानकारी मिल जाएगी इस पर। तो मैं फिर अभी दोबारा फिर मैं अपने भाई बहनों से कहूँगी कि खाली बिल्कुल मत बैठें, और जो घर में भी अपने काम काज देखते हैं अपने घर वालों को भी टाइम दीजिए, और उसके अलावा बहुत सारा हमारे पास टाइम बचता है, तो आप ये सब काम भी कर सकते हैं। तो आने वाले टाइम में जैसे नौकरी वगैरह के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा ढूंढना, कहाँ कहाँ ढूंढेंगे, तो ये सब काम करके आप जो है खूब पैसे घर बैठे कमा सकते हैं। और अपने जो काम के जो बॉस आप खुद ही होंगे, किसी के नीचे आपको काम नहीं करना पड़ेगा, तो ये सब भी एक बढ़िया चीज़ है। कोई भी परफेक्ट नहीं होता, तो आप ये मत सोचिए कि हमें ये नहीं बनाना आता है, तो मुझे भी वीडियो नहीं बनाने आते हैं, और अभी भी मैं बहुत कुछ सीख रही हूँ। और शुरू में तो मुझे सच में बिल्कुल भी अच्छे वीडियोज़ नहीं बनाने आते थे, अपनी बात की कैसे रखनी है वो सब नहीं आता था। तो आप सबने कमेंट्स करके मुझे बहुत कुछ सीखने का मौका दिया,
और मेरा ख्याल है कि आपको भी ये जरूर करना चाहिए। और आपकी पहचान आज हम कितने लोगों को, मैं अपनी ही बात नहीं कर रही हूँ कि जितने भी मेरे भाई बहन जो YouTube पे वीडियोस बनाते हैं उनको उनको भी आप सब जानते हैं, मैं भी उनको जानती हूँ, वो भी मुझे जानते हैं, तो कितने लोगों से हमारी, जो बाहर के लोगों से भी हमारी जान पहचान हुई है इस YouTube के माध्यम से और आप सबके सहयोग से। तो जब हम शौकिया तौर पे वीडियोस डालते हैं तो हम ज़्यादा से ज़्यादा कि एक महीने में एक डाल सकते हैं या दो डाल सकते हैं, और जब हमें पैसे भी मिलते हैं तो अपने पैसे कमाने की बात ही कुछ और होती है। तो बड़ा सुकून मिलता है कि हम घर बैठे घर वालों का काम भी सब कर रहे हैं, घर का दूसरे काम भी देखते हैं और उसके बावजूद हम पैसे भी कमा रहे हैं, तो ये बड़ी खुशी देता है। तो जैसे कि मैंने छत पे बहुत ही नाम मात्र थोड़े से प्लांट्स लगाए हुए थे, तो जैसे मेरा अब चैनल चला फिर मुझे बड़ी खुशी हुई, तो धीरे धीरे मेरा इंटरेस्ट और बढ़ता गया। तो मैंने कई सारे प्लांट्स पे, जैसे कोलियस पे मैंने एक टाइम में 5-5, 6-6 ग्राफ्टिंग करना आपको बताया, और भी कई चीज़ों पे जैसे गेंदे पे ग्राफ्टिंग की और कोक्सकोम पे ग्राफ्टिंग की, जो कि यूट्यूब पे वीडियोस थे ही नहीं उसके बिल्कुल भी, पहली बारी वो मैंने किए, तो मैंने बहुत सर्च किया मुझे कहीं नहीं मिले, तो ये सब काम भी मैंने यही सब किए, तो बहुत ही इंटरेस्ट बढ़ जाता है और अपने प्लांट्स को देख के इतना सुकून मिलता है कि बस पूछो ही मत, और बेकार की चीज़ें सोचने का बिल्कुल भी ध्यान नहीं जाता है। और ऐसे भी पैसे तो मिलते हैं, दूसरा हेल्थ भी बढ़िया रहती है, हेल्थ बढ़िया रहती है तो वो भी हमारा मनी बचता है, तो हुई ना ये कितनी बढ़िया बात। एक बात मैं और कहना चाहूँगी, जैसे कि मेरे हस्बैंड इसी जो एग्रीकल्चर के जो साइंटिस्ट हैं, तो वो उनका ऑल इंडिया एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी वगैरह में आना जाना रहता है, तो मेरे कई भाई बहन पूछते हैं कि हमारे पास सीट नहीं है तो हमें भेजो, ये सब कहते हैं, तो वो जब अलग अलग जगहों में जाते हैं तो वहाँ से वो सीड भी मेरे लिए खरीद के लाते हैं। तो मैंने सोचा कि मेरे भाई बहनों के पास, सबके पास ऐसी सुविधा नहीं होती है, तो मैंने जैसे मेरे चैनल के 3 साल पूरे हुए, तो मुझे एक बड़ा ही प्यारा मेरे चैनल के जन्मदिन पर 14 अप्रैल को बड़ा अच्छा सा कमेंट मिला मुझे, तो फिर मैंने उनको अपने गार्डन के कुछ सीड भिजवाए, और फिर मैंने सोचा कि चलो जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो उनको भी मैं भिजवाती हूँ, तो कुछ और लोगों को भी मैंने सीड भिजवाए, सब बहुत खुश हुए। तो जो मेरे, मैं सोचती हूँ अब कि जो मेरे चैनल के साथ जुड़े रहेंगे, मुझे कमेंट्स करते रहेंगे, और जो इंडिया वाले सब्सक्राइबर होंगे, तो मैं चाहती हूँ कि मेरा देश पूरा हरा भरा रहे, तो मैं अपने सीड जो है उन्हें ज़रूर सेंड करूंगी। तो जब भी आप कमेंट करते हैं नीचे तो इंडियन या इंडिया कुछ भी लिख सकते हैं, तो मैं आपका एड्रेस मंगवा लूंगी। और अभी तो मैंने मई महीने में जो काफ़ी सारे सीड अपने दे दिए हैं, अभी कुछ जो हैं अभी मेरे ज़्यादा तो नहीं बचे हैं, मेरे अपने ही लगाने लायक हैं, तो मैं चाहती हूँ कि जो भी आपके जितने भी आप लोग मेरे साथ जुड़ेंगे, मैं चाहूँगी कि अगर इनको ज़रूरत है तो फिर मुझे लगेगा उनको ज़रूरत है तो मैं उन्हें ज़रूर जून महीने में फिर मैं सेंड कर सकती हूँ 4 या 5 लोगों को फिर मुझे, क्योंकि अब मुझे ये अच्छा लगा कि सीड भेज के भी मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरे गार्डन के सीड कहाँ कहाँ पहुँच गए हैं, तो मैं इस तरह से भिजवाऊँगी, और फिर आगे आप 2, 4, 6 लोगों को आपके प्लांट्स पे तैयार होंगे तो आप भी उसी तरह से दें, तो कहाँ के कहाँ तक पहुँच जाएंगे। तो करती हूँ कि आज का मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और जिन मेरे भाई बहनों की फरमाइश थी कि इस पे कुछ स्पेशल वीडियो बनाया जाए तो मैंने ये बनाया है, और जो नए सब्सक्राइबर हैं मैं उनसे कहना चाहूँगी कि आप हर चैनल पे जो अच्छे से चल रहा है उन पे ज़रूर कमेंट करें, क्योंकि जब आपके जो बाकी जितने भी देखने वाले भाई बहन होते हैं तो कमेंट बॉक्स में आपका कमेंट पढ़ते हैं तो ज़रूर नज़र जाती है, वो खोल के ज़रूर देखते हैं। मैं भी जो कई मेरे भाई बहनों के जो कमेंट्स आते हैं तो मैं उनके चैनल, चाहे मैं आंसर ना कर पाऊँ या कुछ भी ना लिख पाऊँ, उनके लिए कमेंट ना दे पाऊँ, तो मैं ज़रूर वीडियो ज़रूर मैं उनका खोल के देख लेती हूँ। नमस्ते जी, शुक्रिया।